हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। और आज हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? टेक्निक बाय विच बाय यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रिपेयर प्रोडक्ट यूजफुल फॉर ह्यूमन। जीवित ऑर्गेनिज्म या फिर उसके 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 अंदर का एंजाइम निकाल करके एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है। उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उस प्रोसेस को यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दो 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 प्रकार में बांटा गया इसको, एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टू टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दो टेक्निक है, एक पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए एंड आरएनए इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स फिनोटाइप। होस्ट ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए बाहरी ऑर्गेनिज्म से लेकर के उसमें डाल दिया जाता है, जिस कारण से होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है, बदल जाता है। मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल, ग्रोथ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स इक्यूरेटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी। मेंटेनेंस में क्या किया जाता है, सिर्फ डिजायर्ड क्वांटिटी, जिस माइक्रोब्स की हमें जरूरत होती है उसी माइक्रोब्स यूकेरियोटिक सेल को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवाया जाता है। टू मैन्युफैक्चर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और क्यों करवाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि एंटीबायोटिक्स, रसायन और एंजाइम बनाने के लिए। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेजियस होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन काउज करेगा, बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। और वेरिएशन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के लिए यूजफुल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करेगा, कंटिन्यू करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट और एनिमल का यूज किया जाता है ब्रीडिंग में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजायर्ड एज वेल एज अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। और इसमें ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में अगर कराया जाता है दो प्लांट या एनिमल का, तो उसमें डिजायर्ड प्रोडक्ट भी और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट भी दोनों इसमें समाहित हो जाते हैं। जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए को रिकॉम्बाइन किया जाता है और इसमें सिर्फ जीन क्लोनिंग के द्वारा सिर्फ उसी प्रोडक्ट को, सिर्फ उसी एंजाइम को लिया जाता है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए डिजायर्ड हो, जिस एंजाइम की उसे जरूरत हो उसी एंजाइम को सिर्फ लिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। डीएनए नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इन प्रोगेनी सेल, डीएनए प्रोगेनी सेल में मल्टीप्लाई नहीं करेगा। एल एन पीस ऑफ डीएनए बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोजोम हैव एबिलिटी टू रिप्लिकेट। फॉरेन डीएनए, बाहरी डीएनए क्रोमोजोम का पार्ट बनेगा और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और रिप्लीकेट उसमें कैपेबिलिटी होती है कि रिप्लीकेशन करेगा। क्रोमोजोम में स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ओरिजिन और रिप्लिका रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रिप्लीकेशन। क्रोमोजोम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस का क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए रिप्लीकेशन को इनिशिएट करने के लिए। एलएन डीएनए मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन होस्ट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड क्लोनिंग और मेकिंग आइडेंटिकल कॉपी ऑफ टेम्पलेट डीएनए। एलएन डीएनए बाहरी डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई करेगा, जिस प्रोसेस को क्लोनिंग कहेंगे, और
और अपने अपने तरह के आइडेंटिकल कॉपी, डीएनए के आइडेंटिकल कॉपी को बनाएगा। आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए वॉल्यूम लिंकिंग जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ निगेटिव प्लाज्मिड। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निगेटिव प्लाज्मिड लिंक होता है। हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सिनेओला टेम्पेरम में निगेटिव प्लाज्मिड से लिंक्ड होता है। इन 1972 स्टेनली कोलेन एंड हार्वर्ड वायर एसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड। 1972 ईस्वी में स्टेनली कोलेन और हार्वर्ड वायर ने मिलकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डीएनए लिया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस छीन लिया था प्लाज्मिड से डीएनए को कट करके एट स्पेसिफिक लोकेशन पॉसिबल विद डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर सेंसर। और स्पेसिफिक लोकेशन से डीएनए कट करेगा मॉलिक्यूलर सेंसर के हेल्प से, जिसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहेंगे। लिंक्ड विद प्लाज्मिड डीएनए और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्लाज्मिड डीएनए से लिंक्ड होता है। प्लाज्मिड डीएनए एक्ट अस वेक्टर्स ट्रांसफर पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर्स के तरह एक्ट करेगा और डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, इंसेक्ट वेक्टर ट्रांसफर मलेरियल पैरासाइट टू ह्यूमन। इंसेक्ट वेक्टर ह्यूमन में मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसफर करेगा। सेम वे प्लाज्मिड डिलीवर एलन पीस ऑफ डीएनए इन टू होस्ट। प्लाज्मिड फॉरेन डीएनए को होस्ट में पुट करता है, होस्ट में ट्रांसफर करता है। डीएनए क्रिएट्स वाइब्रो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए वाइब्रो क्रिएट करता है जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन स्ट्रिगा कोली। मल्टीप्लाई करेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन स्ट्रिगा कोली में, जिस प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं। थ्री स्टेप ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। तीन स्टेप है ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन के हेल्प से डीएनए का को आइडेंटिफाई करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल डीएनए इनटू होस्ट। आइडेंटिकल डीएनए होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट ट्रांसफर डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। और होस्ट डीएनए इंट्रोड्यूस्ड डीएनए फिर से होस्ट से ट्रांसफर होकर उसके प्रोजेनी में ट्रांसफर हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो हमारे आगे वाले वीडियोस को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और इसे अपने दोस्तों से शेयर कर लें, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।